अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान बा मुकाबला इंग्लैंड फाइनल मैच शुरू होने में से चांद ही लम्हे बाकी बच चुके हैं। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस मैच को जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप सन 2022 की ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, इस मैच से पहले इस मैच के टाइम टेबल में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। पहले ये मैच जिस टाइम होना था उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में बारिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से इस मैच के शेड्यूल को तब्दील करना पड़ा। नया शेड्यूल क्या है, अब ये मैच कब और कितने बजे शुरू होगा, नया शेड्यूल आपके साथ हम शेयर करते हैं। और इस मैच से पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में दो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, उन तब्दीलियों के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सी दो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आप पर लाजमी क्लिक कर दें, और आज तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको तब्दीलियों के बारे में बताता हूँ, फिर आपके साथ हम नया शेड्यूल शेयर करते हैं। आपको बताते चलें कि इस मैच में आपको फखर जमान भी खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि आसिफ अली को भी इस मैच में चांस दिया जा रहा है। आसिफ अली भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब अगर बात करें नए शेड्यूल की, तो पहले ये मैच 13 नवंबर दिन के 1 बजे होना था, लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बारिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से इस मैच के टाइम टेबल को तब्दील करना पड़ा। अगर नए शेड्यूल के बारे में बात करें तो अब ये मैच 13 नवंबर दिन के 2 बजे खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त मुताबिक। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस साल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या इंग्लैंड, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। शुक्रिया।